नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टुडे न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। भारतीय विश्वविद्यालयों में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को चौथा स्थान मिला है, जिसका छात्रों ने खुलकर जश्न मनाया। छात्रों का कहना है कि वो इस रैंक को और आगे लेकर जाएंगे। वहीं विश्वविद्यालय को उनके मापदंड के अनुसार रैंकिंग देने वाली एजेंसी यूएस न्यूज और वर्ल्ड की ओर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को चौथी रैंक दी गई है। इससे छात्रों में खुशी का माहौल है। वहीं एएमयू प्रशासन ने कहा है कि ये सभी के प्रयासों का नतीजा है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ने एक बार फिर से भारतीय विश्वविद्यालयों की टॉप 10 सूची में जगह बनाई है। विश्वविद्यालय रैंकिंग एजेंसी यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड की ओर से जारी ताजा रैंकिंग में एएमयू को भारतीय विश्वविद्यालयों की सूची में चौथा स्थान मिला है। शताब्दी वर्ष में विश्वविद्यालय को रैंकिंग मिलना बहुत ही अहम माना जा रहा है। एएमयू के कुलपति ने विश्वविद्यालय के शिक्षकों और छात्रों को बधाई दी है। जनसंपर्क अधिकारी उमर पीरजादा ने बताया है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के जो शताब्दी समारोह हैं, उसमें एक खुशनुमा खबर यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रैंकिंग के माध्यम से आई है। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को फोर्थ रैंकिंग किया है। प्रोफेसर तारिक मंसूर कुलपति ने छात्रों को मुबारकबाद देते हुए कहा है कि ये सभी के मिले जुले प्रयास का नतीजा है। छात्र किसी भी संस्थान की रीढ़ की हड्डी होता है और जिस तरह से उनका परफॉर्मेंस रहा है पिछले 2 साल में यूनिवर्सिटी रैंकिंग में आगे बढ़ती रही है। इसको अलग अलग मापदंडों पर अच्छे अंक मिले हैं। रैंकिंग के आने से छात्रों में ही उत्साह का माहौल है। छात्र अशरफ अली ने कहा है कि हम बहुत खुश हैं कि हमारी एएमयू को फोर्थ रैंक मिली है, जो इस बात से ज्यादा खुश है क्योंकि इस फोर्थ रैंकिंग में सारे स्टूडेंट की मेहनत है। छात्रों का कहना है कि यहाँ जो रिसर्च भी जाती है उसका भी बड़ा योगदान है। चौथी रैंक मिली है, इसमें क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अपनी सेंटेनरी सेलिब्रेशन कर रहा है, उसमें एक और नुमा खबर इससे जुड़ गई है। यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रैंकिंग ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को जो फोर्थ रैंक पे इंडियन यूनिवर्सिटीज में पैदान पे खड़ा किया है। हमारे वाइस चांसलर प्रोफेसर तारिक मंसूर साहब ने स्टूडेंट्स और टीचर्स के को मुबारकबाद दी है और कहा ये चीज़ें तभी संभव हो सकी हैं जो इन लोगों के अपने स्ट्रेंथ कोलैबोरेटेड एफर्ट से है। दूसरी चीज़, प्रोफेसर एस एम सालिम बेग चेयरमैन जो कमेटी के रैंकिंग में, उन्होंने कहा कि आप देख रहे हैं पिछले 2 साल से कि कंटिन्यूसली हर रैंकिंग एजेंसी ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को हाई रैंक दिया है, तो ये बताते हैं कि एकेडमिक ग्रोथ जो है हमारी वो बहुत तेज़ी के साथ हो रही है और इसके लिए यहाँ के छात्र और टीचर मुबारकबाद के पात्र हैं। आपको बता दें कि एएमयू की जो रैंक है इसमें वो उसका बेसिस जो होता है वो उसे केयरफुली जो स्टडी करी जाती है उसके कैलिब्रेटेड परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को कहते हैं। ये इंडिकेटर्स क्या हैं? ग्लोबल रिसर्च रेपुटेशन में होते हैं, रीजनल रिसर्च रेपुटेशन में होते हैं, साइटेशन नंबर ऑफ पब्लिकेशंस में होते हैं, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन रिलेटिव टू कंट्री होते हैं, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन नंबर ऑफ हाईली साइटेड पेपर्स होते हैं, परसेंटेज ऑफ टोटल पब्लिकेशन और मोस्ट हाईली साइटेड पेपर्स में होते हैं। तो इन बुनियाद में, मतलब इन कैलिब्रेटेड परफॉर्मेंस जो इंडिकेटर्स है इस पर दिया गया, तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। और आपको मालूम है, एक तरह हम कोविड की 19 की महामारी का सामना कर रहे हैं और हमारे जे एन मेडिकल कॉलेज जो है वो कोविड